हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी रेसिपीज बाय आकृति। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बहुत ही इजी और इफेक्टिव मैनिक्योर और पेडिक्योर की रेसिपी शेयर की थी। मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए, तो अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो उसे ट्राई करो। वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों से है जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं इस लॉकडाउन में भी, तो उसे ट्राई करो और उसके रिजल्ट्स आप खुद देखो। और आज जो मैं वीडियो बताने वाली हूँ वो वीडियो है इसका कंटिन्यूएशन। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैनिक्योर पेडिक्योर तो हो गया, लेकिन उसको मेंटेन करना इज अ बिग टास्क। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैंड एंड फुट क्रीम बताऊंगी जो आपके पैरों को ब्राइटन करेगा, उसके हील्स को क्योर करेगा, क्रैक्ड हील्स जो होते हैं उनको क्योर करेगा, और आपके फीट और हैंड्स को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी के लिए हमें आधा कटा हुआ ऑरेंज चाहिए, थोड़ा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा खाने वाला, वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली, लेमन, एक कैंडल और थोड़ा सा ग्लिसरीन। थिंग्स आर ऑप्शनल, विटामिन ई कैप्सूल एंड कोकोनट ऑयल, यह मिक्स तो करेंगे लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहले एक बोल में हम ये ऑरेंज का जूस, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली 2 टेबलस्पून चाहिए, वो हम इसमें निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। इसे नींबू की तरह बहुत ईजिली निचोड़ा जा सकता है इसे हाफ करने के बाद। तो हमें इसका सिर्फ जूस चाहिए, नो पल्प एट ऑल। और अब हम ये 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑरेंज जूस हो गया, अब हम इसमें हाफ लेमन पूरा स्क्वीज कर लेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, 1 या 1.5 जैसा कंसिस्टेंसी के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम हाफ और मिला लेंगे। अभी हम 1 टीस्पून ले रहे हैं और इसके डबल हीटिंग मेथड से मिक्स करेंगे, विच इज कि आप पहले इस बोल में किसी कंटेनर में पानी बहुत गर्म कर लो और फिर उसमें इस बोल को रख के और इसकी कंसिस्टेंसी ओके होते देखो, ताकि क्योंकि माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अब थिक हो गई है, तो अब हम इसे बाहर निकालते हैं। फूड क्रीम के लिए बीज वैक्स यूज किया जाता है या शिया बटर यूज किया जा सकता है, लेकिन इस बीज वैक्स का ऑल्टरनेट होता है सोए वैक्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 95-99% इन अ कैंडल, इन अ नॉर्मल कैंडल। ये इसमें कोई सेंट नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है, तो हम ये बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं इस क्रीम के लिए। तो हमें ये 1 इंच के आसपास ये चाहिए, तो आप 1 इंच आप इसमें ले लो और ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें से ये थ्रेड हम निकाल लेंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 फुल टेबल स्पून, यू कैन से 2 टेबल स्पून ऑफ वैसलीन, और इसे हम माइक्रोवेव करेंगे, या फिर आप अगेन वो डबल हीट मेथड आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें हमें वैक्स और वैसलीन मेल्ट करना है। ये वैसलीन हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वैक्स बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन वैक्स अगर इस वैसलीन के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर ये हार्ड नहीं होने पाएगा, तो ये हमारा प्योरली क्रैक क्रीम का काम करेगा, क्रैक्स फिल करने का काम करेगा। अब हमने अप्रोक्सीमेटली 3-4 मिनट्स के लिए कैंडल और वैसलीन को माइक्रोवेव किया है। आप चाहो तो इसे डबल हीटिंग मेथड से भी कर सकते हो और गैस पर भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही अच्छा लगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा ऑरेंज जेल, हम इसमें ये मिक्स करते हैं और अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 1/2 टीस्पून सोडा, मैंने हाफ ही ले रखा है, 1/2 टीस्पून सोडा, और इसमें मिलाएंगे
थोड़ा सा ग्लिसरीन, से वन अप्रोक्सीमेटली वन टीस्पून, थोड़ा कम उससे क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत ज्यादा ग्लिसरीन हमें नहीं चाहिए। बस आता है ये दो प्रिक्ड ऑयल विटामिन ई कैप्सूल के और थोड़ा सा अपने अंदाज से आई थिंक हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल। अब हमारी ये क्रीम रेडी है और हम इसे कंटेनर में 1 साल तक भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जल्दी खराब हो, तो हम इसे कंटेनर में डाल के और डेली रात में सोने के पहले इसका यूज कर सकते हैं। आप देखो ये बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीम है, दिस इज नॉट थिक, दिस इज नॉट हार्ड। अब हमारी क्रीम रेडी है और जैसा आपने खुद देखा कि इसमें लेमन है, ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, ये विटामिन सी है, नेचुरल रिसोर्सेज विटामिन सी के, तो ये हमारे पैरों को ब्राइटन करते हैं। प्लस हमने इसमें ग्लिसरीन मिलाया है, कोकोनट ऑयल मिलाया है जो कि अगेन उसे हाइड्रेट करता है और सॉफ्ट रखता है। और कोकोनट ऑयल तो पैरों में जो फंगस या जो पार्टिकल्स होते हैं क्रैक हील्स के अंदर वो सारे उनको निकाल कर क्लीन करता है। और हमने इसमें वैक्स यूज़ किया है, वैसलीन यूज़ की है जो क्रैक हील्स को फिल करते हैं, तो ओवरऑल आपको सॉफ्ट और डीटैंड स्किन दिखती है, तो आपके पैरों पे इसका इफेक्ट बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। आप डेली रात में सोते वक्त इसको अप्लाई करें अपने फुट पे और हैंड्स पे और आपको विद इन 2 to 3 days आपको रियलाइज होगा कि ये सॉफ्ट कर रहे हैं और आप इसको डेली अप्लाई करोगे तो आपको खुद इसके रिजल्ट्स विजिबल होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट पिक कर रही हूँ जिसमें सब्सक्राइबर ने बताया है कि उनके फेस पर कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ स्कार्स हैं, दे आर नॉट पिंपल्स और एक्नेस बट येस देर आर सम स्पॉट्स, द फेस इज नॉट क्लीन बेसिकली। तो जो मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगी एक ऐसा फेस पैक बताऊंगी जिससे जो आपकी स्किन को क्लीन करेगा, स्पॉटलेस करेगा और उसको ब्राइटन करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल।